नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल डीजी हिमाचल पर। तो आज की अपडेट में हम बात करेंगे कर्मचारियों द्वारा वेतन विसंगतियां दूर करने को लेकर प्रदेश सरकार को सौंपे गए ज्ञापन के बारे में। अतिरिक्त मुख्य सचिव वेद से हुई चर्चा, मसले सुलझे तो आसानी से मिलेगा नया वेतनमान। प्रदेश में कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ हासिल करने में कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। पूर्व में सामने आई विसंगतियों का असर इस वेतनमान पर पड़ रहा है। यही वजह है कि विकल्पों में उलझे कर्मचारी अभी तक इस लाभ से वंचित हैं। मामले के ना सुलझने के कारण कर्मचारियों ने संयुक्त कर्मचारी महासंघ का गठन किया है और इस महासंघ ने शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त से मुलाकात कर मुख्यमंत्री के नाम उनको ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन बातों का जिक्र किया गया है कि किस विसंगति को दूर करके कर्मचारियों का काम आसान हो पाएगा। इसमें कहा गया है कि हिमाचल सरकार वर्ष 1978 से अपने कर्मचारियों को पंजाब वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान देती आई है, लेकिन पिछले दो वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू करते समय हिमाचल प्रदेश सरकार पंजाब के वेतनमान से काफ़ी दूर निकल गई है और परिणाम स्वरूप आज हिमाचल के कर्मचारी पंजाब के कर्मचारियों से काफ़ी पीछे रह गए हैं। पंजाब के पांचवें वेतन आयोग को लागू करते समय प्रदेश सरकार ने एक और जहां बढ़ी हुई ग्रेड पे के लाभों को 1 दिसंबर 2011 की जगह 1 नवंबर 2012 से लागू किया, वहीं टाइम स्केल के लाभों को भी कम कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को पे बैंड का प्रारंभिक वेतन ग्रेड पे दिया गया, जबकि इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश में पे बैंड का न्यूनतम वेतन दिया गया। इसके चलते हिमाचल के कर्मचारी पंजाब से मूल वेतन में पीछे रह गए। इस छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप हो रहे वेतन संशोधन में राज्य सरकार ने फिर से वेतनमानों को पंजाब से हटकर लागू करने की कोशिश की है। 15% बढ़ोतरी की सुनिश्चितता वाले प्रावधान को संशोधित वेतनमान से हटाया। प्रदेश सरकार जहां पंजाब सरकार की तर्ज पर वर्ष 2011 में बढ़ाई गई ग्रेड पे तथा इसके अनुरूप संशोधित पे बैंड के लाभों को इन वेतन संशोधन में खत्म कर दिया, वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने पंजाब से हटकर कर्मचारियों के संशोधित मूल वेतन में 15% बढ़ोतरी को सुनिश्चितता वाले प्रावधानों को संशोधित वेतनमान से हटा दिया, जिसके कारण कुछ श्रेणियों के संशोधित वेतन में रिकवरी निकल रही है तो कहीं अधिकतर कर्मचारियों के संशोधित वेतनमान पर वित्तीय लाभ बहुत कम रह चुके हैं। राज्य सरकार इसी तरह से वेतनमान के संशोधनों में पंजाब से हटती गई तो अगले वेतनमान संशोधन के लिए हिमाचल प्रदेश में पंजाब तर्ज पर वेतन संशोधन के लिए कोई ठोस आधार नहीं रहेगा और वेतन विसंगतियां और बढ़ेंगी और तब तक हिमाचल के कर्मचारी पंजाब के कर्मचारियों के लाभों से काफ़ी पीछे रह गए होंगे। करियर प्रोग्रेशन स्कीम के लाभों में निरंतरता को किया जाए बहाल। कर्मचारी महासंघ ने मांग रखी है कि बढ़ी हुई ग्रेड पे का लाभ 1 अक्टूबर 2012 की जगह 1 दिसंबर 2011 से दिया जाए। करियर प्रोग्रेशन स्कीम के लाभों में निरंतरता को बहाल किया जाए। बढ़ी हुई ग्रेड पे के लाभ के लिए प्रदेश सरकार द्वारा रखी गई 2 वर्ष के नियमित सेवाकाल की शर्त को इसके लागू होने के दिनांक से खत्म किया जाए और कर्मचारियों को इसका 1 जनवरी 2016 से लाभ देकर वेतन निर्धारण किया जाए, जिससे पंजाब की तर्ज पर संशोधन में इसका लाभ मिल सके। पंजाब सरकार की तर्ज पर प्रदेश के कर्मचारियों को वर्ष 2009 के बाद न्यूनतम पे बैंड की जगह प्रारंभिक वेतन दिया जाए। पुनः संशोधित या बढ़ी हुई ग्रेड पे का लाभ संशोधित वेतनमान में खत्म होने से पंजाब सरकार द्वारा ऐसे कर्मचारियों को की गई 15% की सुनिश्चित बढ़ोतरी का लाभ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को भी प्रदान किया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन भत्तों में सम्मानजनक वृद्धि देकर शीघ्र संशोधित किया जाए। साथ ही हिमाचल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों पेंशनर्स को भी बिना किसी देरी के संशोधन किया जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी बनाई हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।